फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल चिल टाइम। तो देखिए, अब हो रही है डिनर की तैयारी। तो मैंने से प्याज, अदरक, लहसुन और थोड़े से खड़े मसाले जो भी आपको सही लगते हों, जैसे कि इलायची वगैरह, काली मिर्च पीस लिए, और उसके टमाटर का पेस्ट बना लिया एक टमाटर का, और थोड़ी सी हरी मिर्च कट कर लिए, और ये आलू इस तरह से लंबे कट कर लिए। तो मैं लंबे आलू की मसाले की ग्रेवी वाली सब्जी बना रही हूँ। तो ये बहुत ईजी सब्जी है, सभी के घर बनती है, लेकिन मैं अपना प्रोटीन शेयर करें तो इसमें मैं डाल दूंगी इतना थोड़ा सा जीरा। जीरे के बाद जीरा हो जाएगा, फिर जैसे ही जीरा हो गया हमारा, जीरे के बाद मैं इसमें डाल दूंगी थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर, ये देखिए इतना, स्वाद अनुसार कम या ज्यादा जितना भी खाते हो। थोड़ा सा ये हल्दी पाउडर इतना सा, और उसके बाद ये पिसा हुआ मसाला, ये डाल के इसको अच्छे से हम चला लेंगे और इसको 2 मिनट तक भुनने देते हैं। ये हमारा मसाला थोड़ा भुन गया है, तो मैं इसमें धनिया पाउडर डाल दूंगी, ज़्यादा नहीं, इतना बस, और इसको 2 मिनट और भूनने देती हूँ। सबका खाना बनाने का ढंग, मसाले सब वही होते हैं, बस थोड़ा सा ढंग अलग होता है। कोई मसाले पानी में घोल के डालता है, कोई कैसे। तो मैं इस तरह से बनाती हूँ, तो आप लोग भी शेयर कीजिएगा कि आप लोग ये सब्जी घर की नॉर्मल सब्जी कैसे बनाते हैं, और मेरी वीडियो कहाँ कहाँ से देख रहे हैं मुझे बताइएगा। तो इसमें थोड़े 2 मिनट और भुनने का, तो इसमें हम डालेंगे बाद में टमाटर का पेस्ट। तो देखिए, हमारा मसाला इसने तेल छोड़ दिया है, कितने अच्छे से भुन गया है, देखिए सेपरेट हो गया। तो इसमें ये हरी मिर्च मैं कट करके डाल दूंगी, बीच से इसके 2 टुकड़े करके इस तरह से, ये देखिए इस तरह से मैं डाल दूंगी। फिर इसमें टमाटर का पेस्ट भी डाल देती हूँ, जो दरदरा पीसा है, ज़्यादा बारीक नहीं करा है, तो इस तरह से इसे डाल दूंगी, ये इसमें डाल दूंगी। उसके साथ इसमें थोड़ा सा पानी डाल दूंगी, क्योंकि मसाला हमारा जले नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी इसमें डाल दूंगी मैं, ये देखिए, और इसको अच्छे से मैं चला लूँगी। इसको 2 मिनट और भुने देगा, टोटल 7-8 मिनट हमारा मसाला भुनेगा। ये देखिए, मैं आपको पास से दिखा दूँ, देखिए इस तरह 2 मिनट और भुनने देंगे। टमाटर का पेस्ट डाला, ताकि कच्चापन इसका दूर हो जाए, और फिर इसमें आलू डाल के अपने अनुसार ग्रेवी ज़्यादा कम जैसे भी खाते हैं वो करके, इसमें बस 2 विजल मीडियम फ्लेम पर और 1 सिम फ्लेम पर लगा के गैस बंद कर देंगे, हमारे आलू रेडी हो जाएंगे। तो देखिए, था आलू बन रहे हैं, आ रही लव, लव आया कह रहा मेरा होमवर्क देखो। इधर बन रहे हैं हमारे गोभी आलू डिनर में, तो इसको ही मैं चेक कर लेती हूँ कैसे हुए हैं। स्मेल आ रही है, हाँ बस कुछ को अच्छी सी स्मेल आ रही है मसाले की। ये देखिए, हमारे गोभी आलू की सब्जी भी इधर बन रही है, फ्रेंड्स आ रही हूँ बेटा। और ये हमारे आलू कटे हुए रखे हैं इधर फ्रेंड्स, जब ये हमारा मसाला अच्छे से भुन जाएगा 2 मिनट और 10 मिनट में आलू डाल लेंगे। देखिए बहुत ही बढ़िया मसाला भुनना है, इसको भुनने देते हैं 2 मिनट। तो देखिए, हमारा मसाला कितने अच्छे से भुन गया है, ये देखिए। मैं ज़्यादा तेल का ये मसालों का यूज़ नहीं करती, देखिए अब इसमें ये मसाला भुन गया, टोटल इसको भुनते हुए 7-8 मिनट हो गए, कितना अच्छा लगा। इसमें मैं आलू डाल दूँगी, ये आलू डाल करके 2 मिनट आलू के साथ इसको भुनने दूँगी, ताकि अच्छे से कोट हो जाए मसाला इन आलुओं पे। ये देखिए इस तरह से, तो हमारा मसाला अच्छे से भुन गया, मैं इसे पानी डालूँगी, बस ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस इतना ही, बस इसको चला दूँगी। देखिए इस तरह से चला करके इसका मैं लगा दूँगी ढक्कन, और इसमें मतलब थोड़ा सा पानी और दे दे रही हूँ, मुझे कम लग रहा है क्योंकि ये डीजल वगैरह आएगी, बस लगाते हैं ढक्कन, सब्जी होने देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारी गोभी आलू की सब्जी एकदम से बन करके तैयार है, बढ़िया। तो मैं इसमें हरा धनिया डाल दूंगी फाइनल के लिए। तो देखिए, बस
उधर सीखने जा रही है आना के लिए रोटी, इधर हमारे आलू टमाटर की सब्जी हो रही है और थोड़ा सा धनिया उसमें डाल दूँगी। आलू टमाटर उसको कर दूँगी अच्छे से मिक्स मिक्स एंड मिक्स। देखिए हमारी सब्जी हो गई रेडी। आज के डिनर में गोभी आलू की सब्जी और आलू टमाटर की सब्जी, अभी दिखाती हूँ उसका भी फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स ये सब सब्जी हमारी रेडी हो चुकी है और आधा रोटी सीखने जा रही है। तो कैसा लगता है मेरा डेली ब्लॉग, तो मुझे मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइए कहाँ से देखते हैं। तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।